ओम शांति। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर है, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, ये है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और सदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। गीत बजा है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। धारणा के लिए मुख्य सार, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देह ही समझना है। बुद्धि से नए घर का आवाहन करना है। दूसरा है, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। आज के लिए वरदान है, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी, ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो, साकार में रहते अभ्यास करो अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति।